myself Dr. Ankur, Krishna Garba Dental Clinic, Jaipur. आज के वीडियो में हम कुछ एक छोटा सा खास और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं. इंटरडेंटल ब्रश. दांतों में बहुत छोटा सा गैप होता है जिसमें अपने रेशा फंसता है. अपन कुछ भी रेशेदार खा रहे हैं उसमें जाके फंस गया. फिर हमने कुछ खाया, आम के छिलके में जो रेशा होता है वो जाके उसमें फंस जाता है. या इसी तरीके की कुछ भी हम लोग गाजर मूली कुछ भी खाते हैं उसमें फंस जाता है. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, टूथपिक लेते हैं और उससे दांत को रगड़ने लगते हैं ताकि उसमें से वो निकल जाए. वेरी वेरी बैड हैबिट. ये एक पेशेंट बनाता है हम लोगों के लिए बहुत रेगुलर. तो हम लोगों को क्या करना है, एक बहुत बहुत कम स्पेस हो जहाँ पे सिर्फ रेशा फंस रहा है, देन हम लोग उसमें यूज़ करेंगे यूनिफ्लॉस या फ्लॉस या एक धागा आता है जिसको हम लोग फ्लॉस बोलते हैं. अब ये बन के आता है, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. पहले हम लोग जो धागा यूज़ करते थे वो अंगुलियों में फोल्ड करते थे, देन उसको दांतों के बीच में लगा के साफ करते थे. अब ये प्री फैब्रिकेटेड आता है. हमें क्या करना है, सिंपली ये दांत में एक छोटा सा स्पेस है, इसमें हमने इसको लगाया, क्लीन किया, दैट्स ऑल. ये लगाया, क्लीन किया, फिर इसको लगाया, फिर क्लीन किया और अच्छे से रिंस कर लिया, दैट्स ऑल. इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है. ये कहाँ यूज़ करना है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ बहुत कम स्पेस हो और रेशा, खाने का रेशा फंसता हो. ज़्यादा स्पेस होगा तो इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर कम स्पेस है देन वी विल यूज़ फ्लॉस. थैंक यू.